टॉक अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट सर, कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में मुंबई बैंक लोन देती है टू अ कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें जो सैंक्शन है, फाइनल सैंक्शन ऑफ लोन एंड डिसबर्समेंट जो एक्सपेंसेस के लिए लगता है अमाउंट, तो दैट द बैंक विल गिव ओनली इफ द प्रोजेक्ट गेट्स 1 FSI IOD विथ ऑल NOCs एंड फुल कंसेशन. तो इस पे आप थोड़ा प्लीज बता सकते हैं हमको, पुट थ्रो सम लाइट ऑन इट. सी नुपुर, जैसे आपको पता है कि मुंबई में प्रोसेस कैसे है. मान लो कि कोई सोसाइटी इज ऑन 9 मीटर रोड, सो ही इज क्वालिफाइंग फॉर 2.7 FSI, जिसमें से एक खुद का पोटेंशियल FSI है और एक में बंटवारा होता है. 0.5 गवर्नमेंट के पास से खरीदना है, 0.5 हमें TDR लेना है. TDR में भी दो ब्रेकअप है, 0.2 यू हैव टू टेक स्लम एंड 0.3 इज योर रेगुलर FSI रिजर्वेशन TDR. So, ये सब मिला के हमारा 2 FSI होता है और 0.7 इज अ फंजिबल FSI. 0.7 में से भी जो एग्जिस्टिंग एरिया है फंजिबल फ्री है हमारा, क्योंकि एग्जिस्टिंग को ही हमें अलॉट करना है. जो सेल कंपोनेंट है उसके बियॉन्ड उसका हमें प्रीमियम भरना है. अभी गवर्नमेंट बैंक डेफिनेटली आपके पास मांगेगी कि भाई हम आपके पास CFO NOC है, आपके पास कंसेशन अप्रूवल हो गया है, आपके पास बेसिक FSI की IOD है. मैं बेसिक FSI माना ये समझ रहा हूँ कि 1 FSI एग्जिस्टिंग है और 35% मुझे फंजिबल जो उनका ड्यू है विदाउट प्रीमियम उतना तो हम ले ही सकेंगे. सो आउट ऑफ 2.7 आई विल बी एबल टू अप्रूव 1.35. सो 50% FSI का मेरे पास अप्रूवल फर्स्ट हैंड आता है. उसमें जो बैंक होती है दे कैन मॉर्गेज द प्रीमाइसेस बिकॉज सोसाइटी एज अ होल विल बी मॉर्गेज विद द बैंक. And they can claim the loan. And obviously there will be mechanism. अभी रेरा आने से banks are also safe. पैसा जो आएगा, जो भी हमारी income आने वाली है, वो escrow account में जाने वाली है. Escrow account में जाएगी, तो आप जैसे chartered accountant, हम architect और engineer सब certify करेंगे कि भैया इतना काम हुआ है, तो आप इतना ही पैसा release कर सकते हो. माना पैसा किधर बाहर नहीं जाने वाला. It is going to remain within the property. And once only crucial part is you should be able to sell. So once the sale happens, money comes in, money will go into the escrow account and you will be utilizing for the this thing. So banks obviously will ask at least this mandatory document, otherwise wo aapko kis pe loan denge. Itna to mandatory main aise samajh raha hu. Main bhi kafi aapke jaise hi project management consultancy kar raha hu aur self redevelopment bhi kar rahe hain. So hum advise karte hain कि भैया आप 25 से 50 लाख रुपया इनिशियल जमा करो, उसमें से 1 FSI की IOD लेके आओ. जो मिनिमम कॉस्ट है उतना तो आप पैसा खर्चा करो. आज आज खुद की प्रॉपर्टी है, आज मेरी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपया वैल्यू है, कल 3 करोड़ होने वाली है, तो सम इन्वेस्टमेंट आई हैव टू डू इट एट द इनिशियल फेज. या उतना ही पैसा आप रिपेयरिंग में खर्चा कर डालोगे, तो रिपेयरिंग में नहीं करते हुए आई विल स्पेंड इन माई एनहेंसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर माई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 2 to 3 times देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग. अच्छा, दूसरी आपकी एमिनिटीज बहुत कम है, लिफ्ट नहीं है जैसे आपने बताया, पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग्स आर क्रैकिंग एंड लॉट ऑफ रिपेयरिंग वर्क इज रिक्वायर्ड एंड द प्लानिंग वॉज ऑल्सो नॉट कंड्यूसिव. सी आज रीडेवलपमेंट में हम क्यों आए, आई एम स्लाइटली डिविएटिंग, के हमारी फैमिली की नीड बड़ी है. आज हमने 30-40 साल पहले फ्लैट लिया था, 1 बेडरूम है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उसकी शादी बनानी है, तो उनको 1 बेडरूम एक्स्ट्रा चाहिए. तो वह एक्स्ट्रा करने के लिए आज ये समझो हमने जूना फ्लैट बेच दिया और नया पूरा मैं लेने को गया, तो मुझे GST भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, नए रेट से भाव देना पड़ेगा. तो उससे अच्छा तो मेरी प्रॉपर्टी में रीडेवलप करूँ एंड आई बिकम माई ओनर ओनली, आई बिकम डेवलपर, आई विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. सो दिस बैंक तो डेफिनेटली इतना अप्रूवल तो मांगेगी ही आपके पास. या